अस्सलाम वालेकुम, मैं जो आज अपने स्कूल के बच्चों को जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है एक साइंटिस्ट की। और उस साइंटिस्ट ने रेलगाड़ी के डब्बे में एक्सपेरिमेंट करता था, वो क्योंकि वो बहुत गरीब था तो उस रेलगाड़ी के डब्बे में एक्सपेरिमेंट करते थे, आग भड़क होती थी और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई और क्या उसकी लाइफ में उस आग का असर हुआ। तो आज हम चलते हैं, मैं बच्चों को स्टोरी सुनाती हूँ और क्या बाकी क्लास के बच्चे अच्छे साइंटिस्ट को गेस कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। इसका मॉरल ये था स्टोरी का कि थॉमस एडिसन की लाइफ जो थी
वो सिर्फ उसकी माँ के जुमने की वजह से चेंज हुई। दूसरा थॉमस एडिसन के तजर्बे, उसने एक एक्सपेरिमेंट में हार नहीं मानी कि एक खराब हो गया तो बस छोड़ो क्या कर, उसने कभी नहीं सोचा। गुर्बत में भी उसने ये चीज़ें जाना कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, आपको दुनिया में कुछ करने के लिए पैसा जरूरी नहीं होता। थॉमस एडिसन ने जॉब भी की, साथ में उसने पढ़ा भी, साथ में उसने एक्सपेरिमेंट भी किए, सारे काम होते। इतना गरीब था वो कि खाने के भी पैसे नहीं थे। तो जब इंसान के अंदर काबिलियत होती है, वो पैसों की मोहताज नहीं होती। आपकी शख्सियत ऐसा नहीं है कि जो अमीर है बस उन्हीं की शख्सियत बनेगी, आप लोग कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आप लोग को स्टोरी का यहाँ पर एंड करती हूँ कि थॉमस एडिसन की ये कहानी थी जो कि सिर्फ उनकी ज़िंदगी चेंज हुई उनके माँ के झुंडे से। इसी तरीके से आपकी लाइफ में आपके बहन भाई हो, आपके बच्चे हों, कभी भी ज़िंदगी में आपके दोस्त हों, कोई भी हो, उनको ऐसे झुंडे ना बोले, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अरे छोड़ो तुमसे नहीं होगा, अरे हटो भाई तुम तो हो ही ना लाए, तुमसे तो पढ़ाई नहीं जाएगा, तुम तो ये कर ही नहीं सकते। ऐसे झुंडे बच्चों का कॉन्फिडेंस, ये एक औरत के पढ़े लिखे होने से पूरा खानदान, पूरा मुआशरा पढ़ा लिखा होता है।